व वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू दी अन अकेडमी एंड दी वाई फाई स्टडी सो लेट स्टार्ट विद दिस आज का क्लास यहाँ पे अच्छा कल एक्चुअली में ना क्लासेस हो नहीं पा रही थी और YouTube के चैनल में सब में शुरू की क्लासेस में मतलब मॉर्निंग की क्लासेस में कुछ दिक्कत थी इसलिए कल वाली क्लास अपन ने की नहीं थी तो एज एन होल बच्चों को लग रहा है भाई आज भी क्लास नहीं हो पाएगी तो एक बार प्लीज करके सारे के सारे बच्चे जो हैं वो अपने अपने ग्रुप्स में या जो भी बच्चे आपके नॉलेज में हैं उनको शेयर कर दीजिए क्लास ताकि हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से क्लास शुरू करें बहुत ही शानदार तरीके से तो कल था थोड़ा सा दिक्कत यूट्यूब की वजह से इसलिए प्रॉब्लम थी बट हाँ उसको कंपनसेट करने के लिए एनी वे आप लोग के लिए हमेशा यहाँ पे तैयार ही रहते हैं ना तो ऑन दैट नोट कल जो आपके क्लास के क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे हालांकि वो अपलोड तो हो गए थे लेकिन जो कल के क्वेश्चंस हमने क्लास में नहीं कर पाए ना उसको अपन संडे की क्लास में कर लेंगे तो इस बार सैटरडे और सैटरडे uh, को और संडे को ना 50 50 क्वेश्चंस का वन लाइनर कर लेते हैं जिसमें बायोलॉजी के ही वन लाइनर्स के साथ हम शुरू करने वाले हैं ठीक है तो एक बार वो क्लास आप ज्वाइन करिएगा उसका टाइम टेबल जो है वो मैं आपको कल बता दूंगी तो पहली चीज तो ये कि देखिए फ्राइडे सैटरडे और संडे तीनों दिन ना आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास होती है तो कल है फ्राइडे तो आपके लिए साइंस में भी स्पेशल रहेगा तो जो वन लाइनर सीरीज अपनी चल रही है ना तो उस वन लाइनर सीरीज में इस बार यानी कि इस संडे और इस हफ्ते जो है ना वो अपन ये वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं मतलब साइंस के वाला कर लेते हैं तो आपका कल का क्लास भी कंपनसेट हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे उसके अलावा इस क्लास के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो यूट्यूब की आठ बजे से लेके ये क्लास अच्छा ये आपका जो टाइम टेबल है ये मंडे टू फ्राइडे है फ्राइडे सैटरडे और संडे का जो स्पेशल टाइम होगा जो कि आपका आ, अन अकेडमी का भी होगा और यूट्यूब का तो इस बार भी आपके यूट्यूब पे ना भर भर के क्लासेस करने वाले हैं वन लाइनर की मैं आपको साइंस जो है वो शुरू करूंगी उसके अलावा हिस्ट्री और पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे साइंस एंड साइंस का थ्योरी जो है वो शाम को अन अकेडमी पे छ से सात चलता है तो कंप्लीट डिटेल थ्योरी कर सकते हो और दो बजे होता है शानदार साइंस का टेस्ट टॉपिक वाइज तो आज क्या है टॉपिक एनिमल किंगडम जो है ना वो है आज का टॉपिक तो दो बजे जो है ना वो आप ज्वाइन कर जाइए एनिमल किंगडम अच्छा आज की क्लास जो है ना वो टू से शुरू करेंगे दो से तो उसका मैं आपको लिंक दे दूंगी यहाँ पे है ना तो ये वाला पूरा बाच अनअकेडमी के ऊपर शाम को छह बजे पूरा जनरल साइंस का कंप्लीट थ्योरी है और ये फ्री लाइव बैच है फ्री लाइव क्लासेस हैं, फ्री लाइव बैच है आपको सिर्फ ज्वाइन करना है और कुछ भी नहीं पूरा साइंस आपका कवर हो जाएगा यहां से और दूसरी चीज जीके टेस्ट सीरीज जो शाम को डेली सात बजे होती है कल एग्जैक्टली नहीं हुई थी लेकिन यस आज जो है ना वो होने वाली है उसके अलावा अन अकेडमी पे एस एस सीरीज का जो टेस्ट चलता है और एस की जो प्राइस मनी है वो आपकी डिक्रीज कर दी गई है ट्वेल्व मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिक्स फाइव जीरो जीरो से फाइव एट फाइव जीरो और उस पर भी अगर आप शिप्रा लाइव कोड जो है वो यूज करते हैं तो टेन परसेंट आपका एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा अच्छा फ्री लाइव क्लासेस पे जाना है आपको अन की ऐप पे एस सेक्शन में फ्री लाइव क्लासेस पे जाइएगा और वहाँ पे शिप्रा चौहान टाइप करिए आपको प्रोफाइल दिखेगी आपको फॉलो करना है और जो क्लासेस हैं वो आपको दिख जाएगी आई रिमाइंड यू अगेन टू टू थ्री सिक्स टू सेवन और सेवन टू एट ये तीन क्लासेस जो हैं वो अपनी अभी अन अकेडमी पे चल रही है बढ़िया से सो वी स्टार्ट फ्रॉम देन ना तो आज की क्लास आपकी अटेंड करिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल किंगडम की जो क्लास है वो हम करने वाले हैं देखिए फॉलो करेंगे तो बाकी सारी क्लासेस वगैरह भी आपको मिल जाएंगी और साथ में जितने भी सब्जेक्ट के पीडीएफ है ना थ्योरी की पीडीएफ जैसे एनिमल किंगडम की कल पूरी पीडीएफ अपडेट हुई है वो सारा भी अपडेट आपके सामने होगा तो शिप्रा लाइव कोड या लिंक आपसे कभी भी फ्री लाइव क्लास के लिए भी पूछेंगे तो भी आपको शिप्रा लाइव कोड जो है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी प्लांट्स अच्छा मिक्स क्वेश्चन है ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपका फिजिक्स भी इंक्लूडेड है केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी तो कंप्लीट टेस्ट है ठीक है कंप्लीट टेस्ट ऑफ थर्टी क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और प्लीज करके इसको शेयर कर दीजिए देखिये अभी तो छः बजे वाली क्लास थोड़ी सी तबियत वगैरह की वजह से बंद की है बट विल स्टार्ट इट सुन सो डोंट वरी छह बजे वाली क्लास वही मैंने बताया आपको कि फ्राइडे सैटरडे और संडे जो आपकी स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं, उसमें अपन छ बजे वाली जो क्लास है उसको करेंगे मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन आपका जो है ना वो सिक्स ए एम की क्लास होने वाली है तो फ्राइडे वाली जो क्लास होगी उसका मैं आपको टाइम टेबल आज शाम तक यहाँ पे दे दूंगी एक छोटा सा वीडियो में आ जाएगा तो इसमें हम प्रीवियस अभी इस वीक के करंट अफेयर्स फिर प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स संडे को मतलब जो हम मंथली करंट अफेयर कर रहे हैं वो संडे को हो जाएगा और सैटरडे को आप स्टैटिक जीके का कोई भी एक सेक्शन जो है वो कम्प्लीट कर लोगे ठीक है तो ये तीनों चीजें आपकी कम्प्लीट हो जाएंगी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए पौधे की जो आंतरिक संरचना होती है उसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है या उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं तो मॉर्फोलॉजी नहीं बोलना है आपको मॉर्फोलॉजी जो है वो स्ट्रक्चर्स के लिए बोला जाता है अपियरेंस के लिए बोला जाता है जैसा वो दिखाई यहाँ पे दे रहा है उस हिसाब से ठीक है तो टेक्सोनमी एनाटॉमी इकोलॉजी मॉर्फोलॉजी चारों के चारों है तो ब्रांचेस किसकी बायोलॉजी की लेकिन जैसे ही आपसे इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए आप एनाटॉमी याद रखिए देखिए जब भी आप रूट्स को काटें उसके अंदर में जाइलम देखें फ्लोएम देखें और उसके स्ट्रक्चर्स को देखना शुरू करें कि भाई कहाँ पे कैम्बियम अरेंज है कहाँ पे रिंग जो कैम्बियल की रिंग है वो अरेंज है तो उन सारी चीज़ों को अपन क्या बोलते हैं एनाटॉमी के नाम से यहाँ पे जानते ठीक है एनाटमी द मास ऑफ वन मॉल्यू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान चालीस क्वेश्चन कर दें तो इसको मतलब रेल बना दें हैं ये क्या क्या करते हो एक घंटे में मतलब चालीस क्वेश्चन है ये देखो ये क्लास ना तीस क्वेश्चन वाली भी जो है ना वो एक घंटे के ऊपर चली जाती है चालीस क्वेश्चन वाली तो पता नहीं कहाँ जाके लैंड करेगी और सैटरडे संडे की तो मैंने आपको बता ही दी है सैटरडे फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे सैटरडे की जो क्लास हुआ करेगी ना उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे उन क्लासेस में फोर्टी क्वेश्चन कर लेंगे है ना फोर्टी क्वेश्चन सैटरडे और फ्राइडे वाली क्लास में कर लेंगे अभी वीकली जो है इसके बाद भी क्लास होती है ना नौ बजे सर की तो वो अफेक्टेड हो जाती है तो थोड़ा सा और कई सारे बच्चों को वो क्लास भी अटेंड करनी पड़ती है द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज बताइए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देखिए ये कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सो प्लीज बी थॉरो विद देम कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको एटलीस्ट उसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू के आसपास में होना चाहिए जब भी आपसे वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास पूछेंगे तो वन मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ कि आपसे O2 के बारे में पूछ रहे हैं आपसे एलिमेंट के बारे में नहीं पूछ रहे मतलब सिर्फ आपसे ऑक्सीजन के बारे में नहीं पूछा जा रहा है आपसे O2 के बारे में पूछा जा रहा है ठीक है तो O2 के मास को आप 5.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन माइनस ट्वेंटी लिखेंगे कितना 5.3 पॉइंट थ्री

और सैटरडे को स्पेशली इस सैटरडे को आप लोग के लिए जो सुबह क्लास होगी ना सैटरडे को आठ बजे जो आपकी क्लास होगी वो अपन वन लाइनर की कर लेंगे एंड दैट क्लास विल बी वन एंड हाफ आवर ठीक है साढ़े नौ तक कर लेंगे उस क्लास को और इस क्लास के अंदर मैं आपको काफी सारे साइंस के वन लाइनर्स करा दूंगी जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे और इनका नंबर फिफ्टी के बहुत ऊपर होगा तो आप लोग टेंशन ना लीजिए विच ऑफ दी फॉलोइंग इज दबसेंट इन दी बैक्टीरिया सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स क्या बात है क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और आंसर करिए सेल वॉल सनी सेल वॉल तो मैंने आपको बताया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छा क्लास नहीं किए हैं आप शाम वाली ना एक बार ध्यान से देखिए बैक्टीरिया के अंदर जो है ना यहाँ पे सेल वॉल भी मौजूद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मौजूद होता है और राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं कभी आप माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या बैक्टीरिया क्या होता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है, है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है क्वेश्चंस को खाली रटिए नहीं रटने पे अगर आप आ जाओगे तो मैं तो एक घंटे में सौ क्वेश्चन भी करा दूंगी स्पीड मेरा आपको पता है कि घंटे में मैं ना आपको सौ क्वेश्चन से ज्यादा जब मैं मिनट में 40 करा सकती तो वो जरा जरा लेके जाओ ज़रा एक घंटे में इंटू फोर हो गए ना यहाँ पे तो चार चौक सोलह एक सौ साठ क्वेश्चन में करा सकती हूँ एक घंटे में पर बशर्ते आपको समझ भी तो आना चाहिए अब इसका आंसर जरा ध्यान से देखिए आप प्रो कैरियोटिक है बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है वो प्रो कैरियोटिक होता है अब आप मुझे बताइए किसी भी प्रो कैरियो टिक जीव में कभी भी क्या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है समझ आया हो तभी आगे का बताइएगा समझ आया होगा तभी थम्स अप करिएगा इसके अलावा नहीं नहीं ऐसा ना हो कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आए और आप इसमें फिर से सेल सेलब्रेन वाला जो है ना वो आप गड़बड़ करो सिंपल सी चीज है ऑफ दी दी फॉलोइंग इज इन बैक्टीरिया निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है याद रखिए कभी भी किसी यू कैरियोटिक कभी भी किसी माइटोकॉन्ड्रिया की जब भी आप डिफाइन करेंगे ना तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एन यू कैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी किसी प्रो में पाया नहीं जाता है और ना ही कभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। वेदर आप बैक्टीरिया लिखिए आप अमीबा लिखिए आप पैरामीशियम लिखिए आप यूग्लिना लिखिए आप कुछ भी लिखिए आपको कभी भी यूनिसेलुलर में ऑर्गेनिजम्स में यानी कि अगर सीधा सा मैं बोलूं आपसे कि कौन से दो फाइलम्स हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो मुनेरा और प्रोटेस्टा करके याद रखें मुनेरा और प्रोटेस्टा ये दो ऐसे फाइलम हैं जिनके अंदर या किंगडम बोलेंगे फाइलम तो नहीं ये ऐसे दो किंगडम हैं जिनके अंदर किसी भी तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं पाया जाता है समझ आ रहे हैं यहाँ पे

पेंडुलम क्लॉक एटमोस्फेयर पढ़ाना है अंकित पढ़ा देंगे कोई इशू नहीं है एटमोस्फेयर की एक वीडियो आपके पास आ जाएगी the एक पेंडुलम घड़ी को कृत्रिम उपग्रह के अंदर में लाया जाता है तो घड़ी की अवधि क्या हो जाएगी उस कंडीशन में देखिए सैटेलाइट करके डिफाइन करेंगे तो आप इनफाइनाइट लर्न करिए इनफाइनाइट राइट जब भी किसी सैटेलाइट के अंदर जो पेंडुलम क्लॉक है वो आपका लेके जाया जाएगा तो टाइम पीरियड जो है वो उसमें हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला जी जो है ना वो नीचे में आएगा तो जी जीरो हो जाएगा और जीरो नीचे में जीरो रहता है तो अपन इनफाइनाइट करके डिफाइन करते हैं द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज कॉज ड्यू टू हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो किसकी कमी के कारण होता है अरे देखिए क्लास करिए आप आराम से क्वेश्चंस के देखिए आप आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो आपके पास ये ऑप्शन होता ही नहीं कि यार क्लास दो घंटे की होगी तीन घंटे की होगी तो पूरी ही अटेंड करनी पड़ेगी है ना आप ऑनलाइन पढ़ते हैं जहां पे आपको लगे आप थक रहे हो क्लास ज्यादा बड़ी चल रही है जैसे दो तीन घंटे वाली जो क्लास होती है तो उनको पॉज करिए ब्रेक लीजिए दोबारा क्लास देखिए है ना बाकी बच्चे जो कंटिन्यू रखना चाहते हैं उनको रखने दीजिए कहाँ इशू आ रहा है हाइड्रोफोबिया किसके लिए बोला जाता है रेबीज के लिए बोलते हैं यहाँ पे तो आप बैक्टीरिया कई बच्चे आंसर क्यों दे रहे हाइड्रोफोबिया इज रिलेटेड देखिए हाइड्रोफोबिया होता क्या हाइड्रोफोबिया जहां पे पानी का डर जो है वो बोला जाता है दैट इज फियर फ्रॉम वाटर पानी का डर राइट अगर पानी के डर की बात करें तो ये जो कैरेक्टर है मतलब ये जो फीचर है या ये जो सिम्टम बोलेंगे ये रेबीज की बीमारी का है है ना और रेबीज किसके कारण होती है वायरस के कारण होती है तो वायरस आंसर रहेगा विच ऑफ दी दी फॉलोइंग फॉलोइंग ऑफ ऑफ अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है देखिए जो हमारा विंड विंड पाइप पाइप होता है ना तो हमारे में मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है कि आप उसको ना एक पॉलिथिन की तरह बिहेव करिए अगर ऑक्सीजन या एयर जो है वो उसमें से आएगी या जाएगी मतलब पास होगी यहाँ पे तो मान लीजिए कि अगर उसको आपने टाइटली बाउंड नहीं किया है तो वो ऐसे चिपकेगी मतलब एक बार इनहेल हुआ तो आप एक्सेल करने की पोजीशन में नहीं रहने वाले हो मतलब दिस विल ऐसे स्ट्रक है ना तो अब अगर मान लीजिए कि इनहेल एक्सेल आप नहीं कर रहे हो या इनहेल करा आपने ऐसे स्ट्रक कर लिया पर ऐसा हमारी बॉडी में तो नहीं हो रहा है हमारा जो ट्रैकिया है वो आराम से इनहेल एक्सेल कर पा रहे है। तो कौन सी कंडीशन की वजह से या क्या चीज प्रेजेंट है ओनली डाइफ्रेगम डाइफ्रेगम की वजह से आप इनहेल अरे बाप रे बाप रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको कंप्लीट कराया अभी हाल ही फिलहाल ना सर ने तो कोलेप्सिंग से बचाने के लिए बात की जा रही है काटेलेजिनस की सिस्टम की बात नहीं की जा रही है आपको डायफ्रैगम आंसर क्यों कर रहे हो आप लोग डाईफ्रेगम आंसर इसमें ना बिल्कुल भी नहीं होगा कई बच्चे ना अपना दिमाग नहीं सुपर में क्या लिखा है ना उसको कोई ने क्या आंसर किया वो आंसर होगा डाईफ्रेगम हटाइए इसमें से अब आंसर दीजिए जरा आपको ये बात कितना डाइफ्रेगम कहाँ है डाइफ्रेगम लंग्स के नीचे है अरे बाप रे बाप ये जरा ना इसको पढ़ो और दोबारा समझो ये आपका विंड पाइप है रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरे ख्याल आप कर चुके हो अभी हाल ही फिलहाल में भी उसके अलावा भी कई बार कर चुके हो है ना ये आपके लंग्स हैं लंग्स के नीचे जो है ना वो डाइफ्रेगम रखा हुआ है अब ये ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करेगा उसके लिए डाइफ्रेगम का क्या रिलेशन है ये रहा डाईफ्रेगम जो कि लंग्स के नीचे रखा हुआ है एंड इट गिव्स दी एक्स्ट्रा स्पेस टू दी लंग्स ठीक है मतलब यस जो है वो लंग्स को एक्स्ट्रा स्पेस देता है ताकि जब लंग्स एक्सहेल या इनहेल करें यानी कि आउट और इन जाएंगे तो लंग्स को प्रॉब्लम नहीं होएगा ट्रैकि यहाँ पे है ट्रैकिया और डाई का कोई रिलेशन है क्या यहाँ पे ट्रैकिया या डाई का कहीं पे भी कोई रिलेशन आपको नजर आ रहा है कार्टिलेजिनस डिस्क याद रखिए और ये 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 क्वेश्चन मैंने खुद ने कराया पांच छह बार ये ट्रैकिया जो है वो यहाँ पे आपका जो विंड पाइप जिसे बोलते हैं ट्रैकिया क्या होता है विंड पाइप बोला जाता है विंड पाइप है ना श्वसन नलिका या वायु नलिका इसको बोला जाता है या सिंपल आप श्वसन नलिका करके याद रखिए इसको और इसके अंदर उपास्थि की छोटी छोटी ऐसे डिस्क होती है छोटी छोटी तो जैसे ये पूरा ये ट्रैकिया है सर्कल ना तो उसमें बीच में ऐसे रिंग्स लगा देते हैं तो आप इनहेल करोगे, करोगे तो उस टाइम पे ये कोलैप्स नहीं होगा ऐसा करके ना कोलैप्स नहीं होगा ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि आपने उसमें रिंग्स लगाई हुई है जैसे, लोहे के चोटे -चोटे आप किसी पाइप के अंदर जो कि बहुत सॉफ्ट सा पाइप है आप उसमें लगा दो तो वो कोलैप्स नहीं होगा ना मतलब ऐसा पिचकेगा नहीं तो इनहेल एक्सेल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे कृपया करके कार्टिलेजिनस डिस्कृत डाइफ्रेगम जो है वो लंग्स को एक्सपेंड या लंग्स जो है वो संकुचन या शिथिलन की प्रक्रिया में जब आते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है तो कार्टेलेजिनस डिस्क जो है वो करके याद रखिए अच्छा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए एक बार ये जो है ना यहाँ से तक जो नजर आ रहा है वहां पे आपको ये लाइंस कुछ दिख रहे हैं इनका कोई फिक्स नंबर नहीं होता है कार्टिलेजिनस डिस्क uh, का इट डिपेंड्स ऑन दी लेंथ ऑफ दी ट्रैकिया राइट बट अप्रोक्सीमेटली बारह से अठारह के बीच में ये रेज uh, लाइन्स uh, जो है वो मौजूद होती है ये वाली और ट्रैकिया यहाँ पे तो दिस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग याद रहेगा यहाँ पे अभी जो है ना वो याद आ, अभी जो है ना वो थोड़ा सा इसको आ, याद रखिएगा मिश मेटल चलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम करेंगे तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे अभी तो एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं अपन थ्योरी की क्लास में पर ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो इस इस चीज को थोड़ा एम्फेसिस करके आपको समझाएंगे ठीक है मिश्र मेटल जो होता है मिश्र धातु जिसे कहते हैं ये निम्नलिखित में से किस चीज के निर्माण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैं ही पढ़ा दूंगी आपको कोई दिक्कत नहीं है चलिए ये वाला बताइए मिश मेटल जो है वो वाइडली यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए किस चीज़ को बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं अच्छा ठीक है अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनके आंसर करिए उसके बाद इसको यहाँ पे अपन कंप्लीट करेंगे ये भी स्किप प्रदीप बिल्कुल ठीक है यहाँ पे अब देखो थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हैं क्वेश्चन जो हैं वो हर तरीके के करते हैं ताकि आ, कोई भी किताब कल को आप उठाओ है ना तो उसमें आपके देखे देखे से क्वेश्चन हो या कभी भी कोई एग्जाम आप देने जाओ तो आपको पता हो कि साइंस के ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं तो आज की बात याद रखिएगा मिश्र मेटल जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सिगरेट लाइटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है अच्छा सिगरेट लाइटर में गैस कौन सी यूज की जाती है जल्दी से ये बता दीजिए यही दो क्वेश्चन आपको सिगरेट लाइटर से पूछे जाएंगे कि मिश्र मेटल जो है वो किस चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा सिगरेट लाइटर में जो कौन सी गैस है उसको भरा जाता है तो सिगरेट लाइटर करके याद रखिए यहाँ पे ठीक है कौन सी गैस इसमें फिल की जाती है सिगरेट लाइटर में वो भी बता दीजिए द मोस्ट एक्सपेंसिव यूज ऑफ मुलासिज आफ्टर फर्मेंटेशन इज किनवन के बाद शीरा जो होता है ना शीरा वो किसके लिए सर्वाधिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है बताइए पहले जो क्लास चल रही है उसमें आंसर करिए भैया क्या मतलब ब्यूटेन याद रहेगा ना गैस कौन सी इसमें सिगरेट के लिए फिल की जाती है या सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरते हैं ब्यूटेन ब्यूटेन तो butane, कितने कार्बन के नंबर को बोलेंगे प्रोपेन uh, ब्यूटेन चार कार्बन का जो कंपाउंड होता है सी फोर उसको अपन क्या बोलते हैं ब्यूटेन और पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो सी फोर एच ब्यूटेन जो है ये कहां पे फिल होती है सिगरेट के लाइटर्स में राइट किनवन के बाद शिरे का सबसे ज्यादा प्रयोग कहां पे इस्तेमाल किया जाता है देखिए जहां पे भी आपको फर्मेंटेशन लिखा है फर्मेंटेशन में सिंपल याद रखिए कि जो बेसिक आ, बेसिक चीज जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है इथेनॉल क्या बनाया जाता है इथेनॉल तो जो शराब वगैरह बनती है वो वगैरह से ही बनती है फर्मेंटेशन से ही बनती है इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा सी ठीक है इथेनॉल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं

मैक्सिमम ऑब्जर्व एब्सॉर्ब की जाती है मतलब अपशोषित की जाती है बताइए कौन सी लाइट जो है वो पौधे सबसे ज्यादा अपशोषित करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं बहुत क्लियर ऑप्शन है कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बताइए जल्दी से जल्दी से कौन सी रंग की जो लाइट है वो उसको एब्जॉर्ब किया जाता है यहां पे ग्रीन और रेड या रेड एंड ब्लू लिखे यहां पर किस प्रकाश के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो पौधों के द्वारा बेस्ट परफॉर्म की जाती है तो इधर रेड इधर ब्लू करके याद रखे लाल और नीले रंग से जो प्रकाश है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब यहाँ पे किया जाता है ठीक है प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम की रेड और ब्लू लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं एटम एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स बताइए अगर कोई भी एक हीलियम 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 एटम एटम जो जो है या helium, एक atom क्या? Helium जो है वो हमारा अगर वो एक एटम को लूज कर दे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा अल्फा पार्टिकल हो जाएगा पॉजिटिव हीलियम आयन हो जाएगा और ये प्रोटॉन हो जाएगा बताइए ये देखिए बहुत ही ज्यादा ना दिमाग वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली आप कभी भी अल्फा बीटा गामा पढ़ेंगे ना तो उस उस कंडीशन में ना आपको ये हीलियम के आयन का लॉस जो है वो पढ़ाया जाता है लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से बताइए और पहली चीज ये बताइए क्या हीलियम आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा लूज करने की बात हो रही है या मैं गेन भी लिखूं तो भी बताइए अगर आपको हीलियम एलिमेंट दे दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि इस हीलियम एलिमेंट में से क्या आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएंगे तो पहली बात तो याद रखिए इसकी आयनाइजेशन होगी एकदम तगड़ी वाली हाई एकदम क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा ही नहीं और लूज करना तो दूर की बात है ये गेन भी नहीं करेगा इसमें अल्फा बीटा पे अभी नहीं जाइए क्योंकि गामा ऑप्शन दिया नहीं है जब भी हम हीलियम की बात करते हैं तो इट गोज फॉर बीटा एंड गामा अल्फा का इसमें कोई रोल नहीं है यहाँ पे तो वो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे आप सिंपल इसको सिंपल तरीके से आंसर करिए कि अगर आपने हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन हीलियम ने बाहर निकाल दिया अपना देन इट विल बिकम वॉट दी पॉजिटिव और नेगेटिव ही अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकालता है तो वो पॉजिटिव आइन हो जाता है तो आप उसको पॉजिटिव हीलियम आयन बोलोगे और अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया होता तब आप उसे नेगेटिव आइन बोलते लूजेस एक्चुअली मेक्स दी एलिमेंट पॉजिटिव और देना यानी कि दान में देने के बाद किसी भी चीज को आप यहाँ पे क्या डिफाइन कर देते हो नेगेटिव मतलब अगर कोई दान में ले रहा है तो वो नेगेटिव हो गया और कोई दान में दे रहा है तो वो पॉजिटिव हो गया ठीक है तो लूजेस लिखा है तो आप हीलियम पॉजिटिव आइन लिखेंगे बाकी ये भी याद रखिए कि हीलियम Under very certain condition, कभी भी अपने को रिलीज नहीं करेगा या अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को ना देगा ना किसी सेक्टेड पार्ट ऑफ अट्स अब ये देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है ना कि मैं एक घंटे में आपको चालीस क्वेश्चन करा दू थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो इनको थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा जब कोई द्रव पाइप के संकुचित भाग से होके गुजरता है मान लीजिए कि आपने इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया ये पाइप ऐसे है एंड सडनली आपने उसको ऐसा नैरो कर दिया ठीक है कॉन्स्ट्रिक्टेड या संकुचित अब यहां से बताइए कि इस इस फ्लो फ्लो में और इस फ्लो में क्या अंतर होगा वेलोसिटी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी प्रेशर डिक्रीज होगा वाइज वर्सा क्या रहेगा यहां पे तो पहली चीज तो ये कि क्लियरली दिखाई दे रहा उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा देखिए आपने कभी ये चीज पढ़ी है ना कि अगर आप किसी दो पाइप हैं आपके पास एक ये वाला पाइप है और एक ये वाला पाइप है तो जब भी आप इन पाइप को कंपेरिजन करोगे तो पानी का जो बहाव होगा वो किसमें तेज होगा वो जिसकी रेडियस कम होगी रेडियस कम है तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा स्पीड से पानी जो है ना वो बाहर निकलेगा बराबर है अब प्रेशर का क्या होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेशर भी तो आपका इंक्रीज होगा ना प्रेशर भी इंक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा तभी तो पानी जो है वो वेलोसिटी भी बढ़ेगी उसकी देखिए फ्लूड में और वो भी कॉन्स्ट्रिक्टेड पाइप की आप बात कर रहे हो तो वेलोसिटी और प्रेशर दोनों चीज जो है वो इंक्रीज हुई हो होंगी यानी कि वेग और दबाव दोनों में वृद्धि यहाँ पे होएगी ही हो होगी देखिये प्रेशर डिक्रीज कई लोग आंसर कर रहे हैं प्रेशर डिक्रीज अगर हो जाए इन केस मान लीजिए कि प्रेशर डिक्रीज हो भी गया तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी प्रेशर घटने पे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी प्रेशर इंक्रीज करने पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी याद रखिए कैपिलरीज में सबसे तेज ब्लड जो है वो रश करता है आर्टरीज और वेन्स के भी हिसाब से तो बी जो है वो करके यहाँ पे याद रखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स डस स्कैंडियम है अब सारे के सारे आइसोटोप्स भी पढ़ने पड़ेंगे आपको ठीक है स्कैंडियम की अगर हम बात करें तो स्कैंडियम जो है ना उसके आइसोटोप्स कितने होते हैं बताइए स्कैंडियम स्कैंडियम के आइसोटोप्स जनरली कितने होते हैं अगर आपको रफली याद हो सबसे ज्यादा आइसोटोप किसके होते हैं टिन के बोले जाते हैं लेड के भी बोले जाते हैं या लेड के कम होते हैं टिन के आइसोटोप हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे है ना स्कैंडियम के आइसोटोप पहली बात तो स्कैंडियम जो है वो याद रखिए स्कैंडियम कौन से नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर हो गया कैल्शियम के अगला स्कैंडियम होता है और स्कैंडियम कौन से ब्लॉक में आता है डी ब्लॉक का अगर आपसे पहला एलिमेंट पूछा जाए तो आप स्कैंडियम आंसर करेंगे ठीक है और डी ब्लॉक में दस एलिमेंट पूरे होते हैं जो तीन से बारह तक जाते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम टाइटेनियमिडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, निकिल कॉपर और जिंक थर्टी एट जिंक हो गया ट्वेंटी फर्स्ट कैंडियम हो गया है ना तो जब आपसे यहाँ पे आइसोटोप्स पूछे जाएंगे तो कृपया याद विजेंद्र बिल्कुल सही यहाँ पे थर्टीन आइसोटोप करके याद रखने ठीक है, से एक एच फाइव एन एट ये बीमारी होती है है ना तो एच वन एन वन जो है वो किससे रिलेटेड है बताइए एड से बर्ड फ्लू से sangu, आ, डेंगू से या स्वाइन फ्लू से ट्वेंटी फर्स्ट कैंडियम डी ब्लॉक तेरा आइसोटोप बस ऐसे लर्न कर लीजिए ट्वेंटी वन स्केंडियम डी ब्लॉक थ्री जो है वो इसका बैलेंसी हो जाएगा यहाँ पे और डी ब्लॉक की बैलेंसी हम नहीं करते हैं ना आपसे एग्जाम में पूछी जाती है क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और इनकी वेलोसिटी जो इनकी जो बैलेंसी है वो चेंज होती रहती है दे कीप ऑन चेंजिंग जैसे आयरन है आयरन के आपको कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पता है टू पता है थ्री पता है फॉस्फोरस वगैरह के लिए भी अपन मेंशन करते हैं तो एच वन एन वन जो है वो किस बीमारी से रिलेटेड है स्वाइन फ्लू करके याद रखिए एच वन एन वन जो है इट इज रिलेटेड टू दी स्वाइन फ्लू है ना नेक्स्ट बताइए यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन आपको क्लियरली विजिबल है ना देखिए यहाँ पे आइसोटोप्स रखे हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आइसोटोप जो है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है दिस दीज आर द कैंसर है ना जैसे कार्बन है कोबाल्ट है आयोडीन है और यूरेनियम है बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक सेकंड लगेगा अगर आप क्वेश्चन पढ़ लिए ना आराम से फिर आंसर देने में ना आपको एक क्वेश्चन लगेगा एक मिनट लगेगा बताइए कार्बन जो है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है ग्वाइटर को उपचार करने के लिए पृथ्वी की आयु बताने के लिए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए या न्यूक्लियर रिएक्टर उसी तरीके से कोबाल्ट आयोडीन और यूरेनियम आयोडीन वाला जो है ये अभी मैंने या तो अन अकेडमी की क्लास में कहीं पे या अपनी ही इसी क्लास में कहीं पे बताया है आयोडीन तो बताइए जल्दी से ए अच्छा मैक्सिमम बच्चे आंसर ए देने लग रहे हैं तो एक बार देखते हैं कार्बन जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा सी फोर्टीन को हम कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ना कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाली जो है वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन वन थर्टी वन इनके सब लर्न करिएगा ठीक है आइसोटोप्स लर्न करने सी फोर्टीन हो गया कोबाल्ट सिक्सटी हो गया आयोडीन वन थर्टी वन हो गया और यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में और यूरेनियम टू थर्टी एट है ना तो ये चारों याद रहेंगे इनके आइसोटॉप्स भी लर्न करिएगा सी चौदह कोबाल्ट सिक्सटी आयोडीन वन थर्टी वन और यूरेनियम टू थर्टी एट क्या मैच कर रहे हैं आपका टू थ्री वन फोर है ना टू थ्री वन फोर ए बिल्कुल सही यहाँ पे अच्छा ये बताइए एच टू ओ इज एंड एच टू एस इज अ गैस ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये एस एस सी के एग्जाम ने दो तीन बार पूछा हुआ है और एस एस सी की ही कॉपी करके रेलवे ने इसको जेई के एग्जाम में पूछा था तो आप में से जेई जेई का जो एग्जाम दिया होगा कोई उनको पता होगा एच टू ओ जो है ये तो लिक्विड बोला जाता है लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ रिप्लेस किया ये गैस बन गया किस लिए बताइए देखिये यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों ही डिपेंड दोनों ही यूज किए जाते हैं रेडियो एक्टिव के लिए लेकिन हम किस टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है तो यूरेनियम के आपको पता होगा कि दोनों ही आइसोटोप यूज करते हैं 238 भी इस्तेमाल किया जाता है 235 भी लेकिन हमारे पास नेचुरली जो है वो 238 जो है वो ज्यादा अवेलेबल है इसी के लिए आप कॉमनली उसको 238 करके लिखते भी हो यहाँ पे है ना देखिए यहां पे बताइए क्या बात है छोटू लाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए या बी ए या बी हाइड्रोजन बॉन्ड धर्मेंद्र बिल्कुल देखिए जब भी आपको इस तरी, तरीके का क्वेश्चन आता है शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया खुद से एंड आई स्टेटेड दैट कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक लिक्विड है एक गैस है एक सॉलिड है या ये सॉलिड क्यों है लिक्विड क्यों है ऐसा करके देन गो फॉर दी ऑप्शन जिसमें बॉन्ड लिखा हो ठीक है बॉन्ड लिखा हो तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ज्यादा स्ट्रांगर बॉन्ड बनाता है तो जैसे ही स्ट्रांगर बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ तो वो गैस तो नहीं होगा गैस के जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं और वो वीक होता है जैसे ही उसको हीट किया तो वो उड़ना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे ए करके आंसर करिए ऑक्सीजन फॉर्म्स दी स्ट्रांगर बॉन्ड देन दी सल्फर राइट सिलेंड्रिकल इज यूज फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बेलनाकार लेंस जो है वो किस किस प्रकार के व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है पीड़ित व्यक्ति के लिए तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल लेंस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं जब किसी को एस्टिग्मेटिज्म होता है मायोपिया में कॉनकेव माइट्रोपिया में कॉन्वेक्स और प्रेस बायोपिया में बाइफोकल लेंस है ना

इंक्लूड नहीं किया जाता या बोलिए जिनके ऊपर फूल होते ही नहीं आप उनको किस कैटेगरी में डालेंगे बताइए क्रिप्टोगेम्स ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट अभी आप प्लांट किंगडम किए कई सारे बच्चे ना तो गलत आंसर नहीं करिएगा बताइए एग्जैक्टली एस्टिक मेटिजम में कभी सीधी खड़ी वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती है और सिंपल एग्जाम्पल है कि रोड पे जाते हुए जो पोल्स जो पोल्स वगैरह होंगे वो क्लियर दिखाई नहीं देंगे या घड़ी जो है जिनको की प्रॉब्लम होती है है वो कभी सही टाइम जो ना वो नहीं देख पाते हैं है, है ना तो क्या रहेगा यहाँ पे क्रिप्टोगे पार्था बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्रिप्टोगेम्स करके याद रखे नॉन फ्लॉरिंग प्लांट जो है दे आर ग्रुप्ड इन टू वट क्रिप्टोगेम्स कैटेगरी में द एसिड यूज इन आई वॉशेज आई वॉश के लिए प्रयुक्त तो होने वाला एसिड कौन सा है बताइए आंख धोते हैं आपके पास सोल्यूशन भी आते हैं कई सारे आंख धोने के लिए तो उसमें कौन सा देखिए शरीर पे लगाने के लिए एसिड अगर कोई इस्तेमाल किया जाता है तो वो बोरिक एसिड होता है और ये एसिड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि बैक्टीरिया वगैरह अगर आंख में होंगे बैक्टीरिया तो उसको मारने के काम आएगा जो ये के पाउडर आते हैं ना गर्मियों में आपने टीवी वी पैड देखे होंगे घमोरिया होगी है तो ये पाउडर यूज करेंगे तो वो कीड़ा जैसे बनाएंगे फिर वो मर जाएगा तभी भी बोरिक एसिड होता है तो आई वॉश है या पाउडर इस्तेमाल लिखा जाए कि स्किन पाउडर जो इस्तेमाल किए जाते हैं गर्मियों में घमोरिया वगैरह हटाने के लिए तो भी आप बोरिक एसिड बोरिक एसिड जो है याद रखें निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्लवनशीलता के नियम की खोज की थी बताइए लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है वो किसके द्वारा दिया गया था फ्लोटेशन का लॉ कोई भी चीज तैरेगी कोई भी चीज डूबेगी डेंसिटी हाई होगा उसका पानी से तो वो चीज डूब जाएगी पानी से डेंसिटी कम होगी तो वो चीज तैरेगी बर्फ पानी के ऊपर तैरती है लेकिन अगर छोटी सी कील का टुकड़ा आपने या छोटी सी कील ही डाल दी या लोहे की इतनी सी बिंदु भी डाल दी तो वो भी पानी के अंदर तैर डूब जाएगी है ना किसके ऊपर डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर यानी कि घनत्व के ऊपर और घनत्व के आधार पे फ्लोटेशन के जो पूरे के पूरे फॉर्मूले थे वो किसके द्वारा दिए गए थे आर्कमिडीज प्रिंसिपल के नाम से इसको जानते ठीक है आर्कमिडीज प्रिंसिपल आर्कमिडीज सिद्धांत विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्रोल दी ब्लड प्रेशर इनमें से कौन सा रक्तचाप को नियंत्रित करता है विच ऑफ दंट्रोल दी ब्लड प्रेशर तो हमारा बॉडी में मिनरल्स को कंट्रोल करना ठीक है जो भी मिनरल्स वगैरह है खनिज उनको कंट्रोल करना उसके बाद मिनरल्स के अलावा हमारे बॉडी में जितने भी ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करना और साथ में बीपी को मेंटेन करना ये काम होता है एड्रिनल ग्लैंड का जो कि अधिव्रक्त ग्रंथी बोली जाती है और ये अधिवृक्क ग्रंथि किडनी के ऊपर दोनों किडनी के ऊपर मौजूद होती हैं क्योंकि किडनी को हम वृक्क के नाम से जानते हैं इसीलिए इन ग्लैंड को जो पीले रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं इनको अधिवृक्क बोलते हैं और ये हाफ ऑफ दी पोर्शन में लोकेटेड होता है इसीलिए अधिवृक्क के नाम से इनको जाना जाता है ना अजय बताइए स्टील से बनी एक गोलाकार गेंद को पारा से भरी बाल्टी में अगर हमने डाल दिया तो क्या होगा अगर हमने किसी बाल्टी में ना बहुत सारा मरकरी भरा है और स्टील की बनी हुई जो बॉल है उसको डाल दिया तो बॉल जो है स्टील की है तो स्टील की डेंसिटी तो ज्यादा होती है किसी भी लिक्विड से है ना तो आप इसको अंदर डालेंगे तो बॉल डूब जाएगी या क्या रहेगी बताइए बॉल जो है वो डूबेगी फ्लोट करेगी या सरफेस पे रह जाएगी क्या होगा डी मतलब None of the above. सतह पे तैरेगा है ना विजेंद्र बिल्कुल ठीक है यहाँ पे देखिए अगर किसी भी स्टील से बनी हुई बॉल को मरकरी की बास्केट में डालेंगे ना तो दैट विल फ्लोट ऑन दी सरफेस अगेन डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो किसी भी आ, लिक्विड आ, से ज्यादा होती है क्योंकि मरकरी वास्तव में है तो सॉलिड यानी कि वैसे तो ठोस है लेकिन उसकी जो अपियरेंस है वो लिक्विड करके बोली जाती है तो आपको क्या याद रखना है दैट विल विल ऑलवेज फ्लोट ऑन दी नेवर और आपको यहाँ पे स्टील भी लिखा हुआ है आयरन भी लिखेंगे तो भी यही रहता है आयरन जो है वो थोड़ा सा सर देखिए अगर स्टील की बॉल लिखी है तो वो सतह पे तैरेगी यहीं पे अगर आयरन की बॉल लिख देते हैं ना लोहे की तो लोहे की स्टील से थोड़ी सी ज्यादा डेंसिटी हो जाती है तो वो यहाँ पे कहीं पे रुक जाएगी नीचे तो नहीं जाएगी ऊपर भी नहीं तैरेगी यहाँ पे रुक जाएगी तो आयरन लोहे की जो बॉल होती है वो वो पे रुकेगी और स्टील की की बॉल जो है ऊपर तरफ ही रुक जाएगी हाइट ऑफ एट मीटर अब दी ग्राउंड तो पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या होगा बताइए एक आपको ये न्यूमेरिकल टाइप है भाई बहुत सारे बच्चे बोले थे कि एक आधी न्यूमेरिकल भी ऐड करना है मास आपको 20 के दिया हुआ है हाइट जो है वो आपको 8 मीटर दी हुई है ठीक है आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बताइए पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालेंगे और एक्जैक्टली आंसर यहाँ पे क्या होगा एक्जैक्टली एक्जैक्टली हाँ वही वाला अगर लोहे को रखेंगे तो बीच में आ जाएगा लेकिन अगर आप प्लैटिनम या गोल्ड को डालेंगे मरकरी के अंदर तो वो डूब जाएगा तो सारा खेल डेंसिटी का है और सोना जो है वो मरकरी के जो अच्छा यहाँ पे चलिए तीसरी चीज ये रह गई प्रिंसी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे देखिए गोल्ड की अगर बात करेंगे तो सोना जो है वो तैर जाएगा इसीलिए वहां पे मैक्सिमम देखो स्टील मेंशन किया रहेगा स्टील आयरन और गोल्ड तीनों चीज देखिएगा स्टील होगा तो ऊपर रुक जाएगा आयरन होगा तो बीच में कहीं तैर रहा होगा और सोना या प्लैटिनम इस्तेमाल किया होगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा ठीक है इनफैक्ट चांदी भी जो होती है वो भी डूबी जाती है पूरी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और जरा यूनिट्स देख के आंसर बताइए पहली बात तो अगर आपने यूनिट्स ही देखे होते ना तो आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अब देखो कई बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे कितने ईमानदारी से मुझे यह बताना जिसने ऑप्शन में यह देखा कि इसका आंसर तो जूल है और बाकी सारे ऑप्शन सेम है तो आंसर ए होना चाहिए आप में से कोई ऐसा है जिनको लग रहा है कि बी सी डी भी आंसर हो सकता है या आप में से ऐसा कोई है जिसने एम जी एच मल्टीप्लाई किया न्यूमेरिकल आपकी आपकी तो से किसी भी तरीके से डरिए नहीं थोड़ी स्मार्टनेस लाइए न्यूमेरिकल आपको करने के लिए स्मार्टनेस अप्लाई करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में आपको कुछ ही लिखा हो वैल्यू आपको मल्टीप्लाई नहीं करना नहीं है क्योंकि ऑप्शन में देखो ना ना न्यूटन होती है ना वॉट होती है ना कूलम होती है जो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होती है वो जूल होती है इसीलिए मैंने आपको कई दफे यहाँ पे बताया ना कि अगर आप आप यूनिट्स पे फोकस करिए आंसर लिखते समय यूनिट्स पे फोकस करिए बताइए नहीं लग रहा है ना इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत सीधा जूल लिखा आंसर ए मारिए टिक करिए और एकदम आराम से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए ड्यूरिंग समर्स दि वॉटर कैप्टन एन आर्थन गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के द्वारा या किस चीज के द्वारा ठंडा हो जाता है ना ऐसे, ऐसे आंसर अगर आप देते तो आप बड़ी चश्मा निकाल लगा के ना एग्जाम से निकलिए शानदार ये होती है स्मार्टनेस ठीक है मल्टीप्लाई जो लोग कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए ऑप्शन जरूर देखने हैं कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए रूल नंबर वन जरूर फॉलो करिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो जैसे मैंने आपसे कई बार इस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया है ना गो फॉर चाहे क्वेश्चन कितना भी ईजी हो बेहद इजी हो इतना इजी हो कि क्वेश्चन आपको पूरा भी ना पढ़ना पड़ा हो फिर भी आपको आंसर आ गया हो लेकिन कृपया करके ना कभी भी ना चारों ऑप्शन देखे बिना आंसर स्टिक नहीं करिएगा समझ रहे हैं मेरी बात रूल नंबर वन है ये आपका बढ़िया से लर्न करिए ठीक है अच्छा किसकी वजह से घड़े का जो पानी है वो यहाँ पे ठंडा रहता है तो इवेपोरेशन याद रखना है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण घड़े का जो पानी होता है वो हमेशा ठंडा रहता है वट इज दी नेम ऑफ ग्रेप अंगूर खाते हैं अंगूर खट्टे हैं बोला जाता है ना अंगूर जो है वो खट्टे हैं तो अंगूर खट्टे क्यों होते हैं बताओ टाट्रिक एसिड फॉर्मिक एसिड लेक्टिक एसिड एसेट या एसिटिक एसिड एसेट की वजह से जल्दी जल्दी एक बार टाट्रिक एसिड लैक्टिक एसिड फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड तो मेरे ख्याल रेड आंट निकलती है लाल चीटी जो होती है वो फॉर्मिक एसिड निकलती है, है ना एसिटिक एसिड आपको पता है सिरका जो होता है उसके अंदर मौजूद होता है लैक्टिक एसिड जो है ये दही के अंदर हो गया नहीं नहीं

टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ दी गैसेस आर रिलेटेड टू बताइए गैसों की दो विशिष्ट ऊष्मा संबंधित होती हैं या फॉर्मूला बताइए अगर आपके पास दो गैसेस दी हुई है ना कोई भी तो आप उन दो गैसेस का स्पेसिफिक हीट जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे ये पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है यहाँ पे पहली बात तो देखो ये क्वेश्चन पूछा क्यों भी है? देखिए गैसेस स्पेसिफिकली लिखी हुई है ना इसमें आपको सॉलिड या लिक्विड नहीं लिखा हुआ है तो याद रखिए कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कभी भी ये क्वेश्चन सॉलिड या लिक्विड के लिए नहीं पूछा जाएगा क्यों सॉलिड लिक्विड के लिए इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि सॉलिड और लिक्विड कभी भी वॉल्यूम और प्रेशर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं रखते एक बार फिक्स हो गया ना सॉलिड का वॉल्यूम तो वो उतना ही रहता है या प्रेशर के अंडर वो जाते ही नहीं है लेकिन जैसे ही आप गैसेस बोलोगे तो हीट देने पर या हीट लेने पर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक इन सारे रिएक्शन के दौरान में इनका वॉल्यूम भी चेंज होता है और इनका प्रेशर भी चेंज होता है तो पी फॉर प्रेशर इज फॉर वॉल्यूम एंड आर इज फॉर कांस्टेंट वैल्यू ठीक है इस कंडीशन में जो आपको लर्न करना है आंसर टू गैसेस या स्पेसिफिक गैसेस जिनको आपने रिलेट किया है यहाँ पे वो किससे रिलेट करेगा सी अपॉन में सी इज इक्वल टू आर ठीक है इसके लिए आप हमेशा फॉर्मूला याद रखिए सी अपॉन में सी इज इक्वल टू आर तो हम ये चीज़ ना कभी भी लिक्विड के लिए मतलब और गैसेस लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर वहां कही पर कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट ही रह जाता है या बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते पर गैसेज में आते हैं तो प्रेशर अपॉन में वॉल्यूम ज इक्वल टू आर यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा विच ऑफ ट्रू अबाउट दी डाइफ्रेगम तो पीछे आप डाई दे रहे थे ना आंसर मैंने थोड़ा सा तो उसको एक्सप्लेन किया भी था ये बताइए डाई का इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा बताइए डाई जो है वो सामान्य स्थिति में आर्ज होता है ठीक है डायफ्रेगम जो है वो क्या होता है परफोरेटेड मतलब छिद्र होते हैं उसमें थोड़े थोड़े से ना ऐसा करके होल्स होएंगे डायफ्रेगम इज फ्लैटन इन नॉर्मल एक्सपायरेशन जैसे ही आपने क्या किया एक्सेल किया एक्सपायरेशन का मतलब होता है एक्सेल करना तो वो फ्लैटन हो गया द डायफ्रेगम डज नॉट चेंज इन दी नॉर्मल एक्सपायरेशन तो नॉर्मल एक्सपायरेशन का मतलब एक्सलेशन हो गया एक्सलेशन में कुछ भी नहीं होता है ध्यान से पढ़िए डाइफ्रेगम आपको समझ आ गया ना कौन सी पोजीशन है लंग्स के नीचे रखा रहता है अभी हमेशा जो कंडीशन होती है ना आप याद रखिए कि नॉर्मल कंडीशन होती है इस इस शेप का होता है और यहाँ पे ना लंग्स इसके ऊपर ऐसे रखे रहते हैं अब अगर आप कसके इन कसके सांस अंदर लेके आओगे यानी कि इनहेल करोगे तो डाइफ्रेगम अपनी शेप को ऐसा कर लेगा मतलब नीचे हो जाएगा और आप जब एक्सहेल करोगे बाहर निकालोगे गैस तो ये वापस जो है वो डाइफ्रेगम इस शेप में हो जाएगा आप नॉर्मल याद रखिए कि जब तक आप किसी भी तरीके से कोई भी तगड़ा या बहुत फोर्सफुली एक्सलेशन या इनहेल नहीं कर रहे हो मतलब अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो देखिए सिंपल सी चीज है एक एक चीज में आपको बताती हूँ चलो दिल धड़कना तो आपका कितने बार दिल धड़क रहा है एक मिनट में ये आप काउंट कर पाते हो पता लगता है आपको नहीं पता लगता ना आप कितनी बार सांस ले रहे हो एक मिनट में आप में से हर कोई तेरह से चौदह बार सांस ले रहा होगा इंक्लूडिंग मी पर क्या हमें पता लगता है हम काउंट करते हैं नहीं करते है. उसी तरीके से हमारी इस एक मिनट के अंदर कितनी बार पलक जो है वो झपकी है क्या ये काउंट करते हैं हम नहीं करते हैं ना ये सारी चीजें इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है उसी तरीके से लंग्स में जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो तो डायफ्रेगम पे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता है एकदम किया जाए जिनको का होता है ऐसे करके इनहेल करना फिर एक्सहेल करना उस कंडीशन में डायफ्रेगम की थोड़ी सी ज्यादा चीजें यहां पे हो जाती हैं तो डायफ्रेगम याद रखिए कि डायफ्रेगम नॉर्मल कंडीशन में इस शेप का रहता है यानी कि आर्च रहेगा तो एक्सिलेशन और इनहेलेशन करेंगे तब उसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखिए डायफ्रेगम साइंस के सब्जेक्ट का या रेस्पिरेटरी या ह्यूमन बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड तो है ही ये दूसरी उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि डायफ्रेगम हमारी बॉडी में हमारे अपर एब्डोमेन को ये वाले हिस्से को हमारे लोअर एब्डोमेन से अलग करता है यानी कि हमारे लंग्स को और हमारे जो विंड पाइप है या चेस्ट कैविटी है उससे हमारे पेट को और लिवर को अलग करता है तो सेपरेट हो गया तो कभी कभी हिचकी आती है ना तो उसका रीजन ये भी होता है कि डाइफ्रेगम जो है वो चिपक गया वहां पर जाके पेट से

ज्यादा वेवलेंथ लेंथ यहाँ पे सबसे कम वेवलेंथ रख रहा होगा तब आप जो है वो आगे की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ लेंथ आपकी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है ट्वेंटी सेवन में ए राइट है विजिबल एक्सरे इंक्रीजिंग वेवलेंथ बताना है इंक्रीजिंग डी होगा इंजीनियर नवरंग लाल जी बहुत बढ़िया सारे आंसर्स मैक्सिमम आपने ठीक दिए दैट्स ग्रेट देखिए इंक्रीजिंग पूछा है तो जब आप गामा रेस पे होते हो तो गामा रेस की वेवलेंथ कम होती है है ना उसके बाद वो इंक्रीज होती चली नहीं जाती है यहाँ पे Increasing के हिसाब से लिखा है तो एक बार ये भी देख लीजिए पे जब आप increasing wavelength की बात कर रहे हैं तो ऐसे होता है यानी कि एक्सरे की वेवलेंथ क्या होगी सबसे कम नहीं होगी उसके बाद अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स आएंगे तो इस क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले तो एक्सरे देखिए फिर विजिबल फिर इंफ्रारेड और फिर माइक्रोवेव देखे जब आप पीछे जा रहे हैं तो गामा रेज और एक्स रेज की वेवलेंथ होगी सबसे कम लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी होगी सबसे ज्यादा और जब आप उस तरफ जा रहे हैं तो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स में फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम होगी लेकिन उनकी वेवलेंथ होगी सबसे ज्यादा दैट इज वाई यहाँ पे डी करके आंसर करना है ए ही आंसर करें अब ये टॉपिक बताओ मैंने कितनी बार बताया आपको ये वाला टॉपिक मेरे ख्याल पिछले पंद्रह बीस दिनों में ये टॉपिक मैं कम से कम चार पाँच से पांच बार रिपीट कर चुकी हूँ तो भी आप लोग ध्यान से दीजिए भाई आंसर कैसे कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग को या कंपन जो बिहेवियर कंपन कोई चीज में जैसे ये होता है ना फॉक ट्वीनिंग फॉक बोलते हैं ऐसे करके तो इसमें ये जो वाइब्रेशन होते हैं ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ये क्या चीज को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वाइब्रेशन स्ट्रिंग्स वाइब्रेशन के लिए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मिक रेस एक्स गामा रेस से भी पहले आती हैं सीधा सा लिखा है इसमें तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं करनी है आपने लैब में गए होंगे 11, ट्वेल्थ में आपको ये ट्विनिंग फोक जो है वो दी जाती है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भाई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिए तो अपने को पता ही नहीं है कि किस लिए दिया गया है अपन ब्लैंक है ट्विनिंग फोक लेके खेलने की कोशिश करें सोनोमीटर करके याद रखिए ना सोनोमीटर जो होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सोनोमीटर ये ट्विनिंग फॉक दी जाती है और इसका एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम ही जो होता है ना वो साउंड की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को प्रोड्यूस करने के लिए होता है ना द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट दी अर्थ रिवॉल्व अराउंड दिस सन किस वैज्ञानिक के द्वारा पहली बार ये बताया गया था कि जो अर्थ है वो एलिप्टिकल पाथवे पे जहाँ पे सूरज एक फुकाई पे रखा हुआ है उसके आसपास पास यहाँ पे घूम रहे हैं कपरने का साइंसटीन डाल्टन या न्यूटन छह बजे वाली क्लास आपकी अपन करने वाले हैं सैटरडे और संडे को ठीक है सैटरडे संडे सैटरडे में मैं उसमें आपके जितना भी इस वीक का पूरे का जो करंट अफेयर निकला है वो सारा करेंगे और संडे में अपन आ, अगस्त का हमने पिछले संडे अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड की हो तो अगस्त का हमने ना पूरा मंथ का करंट अफेयर किया था इस बार जो है वो हम सितंबर 2020 का जो करंट अफेयर है वो करने वाले हैं टारगेट वन ईयर का करंट अफेयर लेके चले हैं अपन तो टारगेट वन ईयर का करंट अफेयर है एक साल का पूरे का करंट अफेयर कंप्लीट करना है अगस्त से पहले पहले है ना कॉपर नेग याद रखी इन लास्ट क्वेश्चन हम दी डे बताइए विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म व्हाइट ब्लड इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिसका आपको लगता है व्हाइट ब्लड है व्हाइट ब्लड की जगह कभी कभी ना एग्जाम में आपको पेल येलो भी लिखा रहता है पेल येलो या येलो ही लिख देते हैं सीधा ना तो व्हाइट यहाँ पे पेल येलो से रिलेटेड ही है व्हाइट उसको जनरली टर्मिनोलॉजी के हिसाब से लिख दिया जाता है बट इट इट कुड बी पेल येलो बताइए पेल येलो या व्हाइट कलर का जो ब्लड होता है वो किसके अंदर में पाया जाता है तो कॉकरोच करके याद रखिए तिल चिट्टा या कॉकरोच करके लिखा जाता है तिल चिट्टा या कॉकरोच के अंदर अपना पेल येलो कलर का ब्लड जो है वो पाया जाता है ठीक तो है इतना चीज लर्न कर लीजिए थर्टी क्वेश्चन ऑफ द डे तो तीस क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए वी कैन इंक्लूड एक्चुअली फोर्टी क्वेश्चन है ना तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है चालीस क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लेंगे तो अभी थर्टी क्वेश्चन आज आपने आराम से कंप्लीट कर लिए हैं सो स्टार्ट विथ फोर्टी क्वेश्चन है ना चालीस क्वेश्चन भी कर लेंगे कोई टेंशन ना लीजिए आप यहाँ पे चलिए अभी यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट पूरा आपका जो छह से सात वाली क्लास है उसमें चलने लग रहा है तो साइंस टेस्ट आप इसी तरीके से डेली आठ बजे अपनी क्लास होती है एट टू नाइन एंड वील क्वेश्चन नंबर भी धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे उसके अलावा दो बजे आपका टॉपिक वाइज साइंस का अन अकेडमी पे टेस्ट होता है साइंस की कंप्लीट थ्योरी भी आपकी अन अकेडमी पे छह बजे चलती है तो वहां पे एनिमल किंगडम की अभी क्लास चल रही है वो आप फॉलो कर सकते हो सात से आठ जो है जीके का टेस्ट सीरीज रहता है वो आप फॉलो कर लीजिए अन अकेडमी पे एस एस सी कॉम्बेट सीरीज एनअकेडमी ने आपके टेन परसेंट सब्सक्रिप्शन जो है वो डिक्रीज कर दिया है एस एस सी का तो वो आप फॉलो कर सकते हैं अच्छा जितनी भी आपकी ये फ्री लाइव क्लासेज आपको मैं बोल रही हूँ दो से तीन वाली है छः से सात वाली है या सात से आठ वाली है ये तीन फ्री लाइव क्लासेज जो है वो आपकी अन अकेडमी के ऐप पे चलती हैं आप वहां पे जाइए क्लासेस अटेंड करिए और इस फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए आप लोग के लिए स्पेशल कुछ कुछ चीजें यहाँ पे स्टार्ट की गई हैं फ्राइडे देखिए जीके का जहां तक आप लोग को कहीं को टेंशन है कि जीके की छह बजे वाली क्लास नहीं चल रही है तो उन्हीं स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए फ्राइडे सैटरडे संडे ये तीन दिन जो है ना वो एकदम शानदार डेढ़ डेढ़ घंटे की ना अपन जीके की क्लास करेंगे ठीक है स्टैटिक जीके छ बजे वाली क्लास करनी है कर लेंगे कर लेंगे प्रिंस मैंने यही बोला है कि इस वीक का थोड़ा सा टाइम दीजिए इस वीक के बाद जो है ना शुरू कर देंगे और उसी कॉन्टेक्स्ट में इसीलिए अपन ने स्टार्ट भी किया है मैं वापिस आपकी सैटरडे से शुरू कर रही हूँ ठीक है ये छः बजे वाली जो आपकी क्लास है वो वापिस सैटरडे से स्टार्ट कर ले रहे हैं कोई दुखी होने की इतनी जरूरत नहीं है एज एफ जैसे पता नहीं सारे के सारे इसी क्लास में आके स्टैटिक जी के जीके जो है वो सीखने वाले हैं देखिए ये क्लास शुरू इसलिए की गई थी ताकि करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस एग्जाम में है लेकिन शायद स्टैटिक जी के से ज्यादा नहीं मतलब ये क्लास ना इनिशिएटिव इसलिए था मेरी तरफ से ये कि अगर आपके किसी पेपर में पच्चीस क्वेश्चन आते हैं राइट तो आप ये जान के चलिए कि मैम ये मैक्सिमम मान लू कि उसमें चार से पांच करंट अफेयर भी आ गया तो बीस क्वेश्चन आपके हाथ में तो कम से कम हो यानी कि बीस क्वेश्चन स्टैटिक जीके के जो है ना वो आपके कंप्लीट होना चाहिए तो ये सिक्स टू सेवन वाली क्लास जो है वो आपकी शनिवार से शुरू करें ठीक है सैटरडे से शुरू करें इस क्लास का पीडीएफ अभी आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा तो आपका जो कॉमेंट सेक्शन है उसके अंदर पहला जो कमेंट है वो पीडीएफ से रिलेटेड होगा कभी कभी दूसरा भी होता है भाई उसको भी खोल के देख लिया करिए पीडीएफ का पहला कमेंट और दूसरा जो है वो दो से तीन की जो क्लास है उसका आपको लिंक दिया जाएगा तो टू टू थ्री आज एनिमल किंगडम के थर्टी क्वेश्चंस का टेस्ट है वो कर लीजिएगा टू फिफ्टीन पे समवेयर विल स्टार्ट विद द टेस्ट ठीक है कभी तो के लिए गाइस कौन दुखी है क्यों दुखी हो रहे बताइए एट थाउजेंड वाली जो सीरीज है वो मैंने आपको बोला था कि वो मैं आपको सैटरडे और संडे कराया करूंगी पूरा वीक तो नहीं चल सकता है ना बाकी टीचर्स भी है, बाकी भी हैं हैं बाकी क्लासेस आपकी चलती तो वाली जो सीरीज है वो आपकी सैटरडे को जो क्लास हुआ करेंगी उनको फॉलो करिए और संडे की जो क्लास हुआ करेंगी उनको फॉलो करिए पहली बात तो ये दूसरी चीज हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी के जो क्वेश्चन है वो आपके मैं मैक्सिमम कवर करा ही रही हूँ और ज्यादा कवर करा दूंगी यहाँ पे सैटरडे संडे की क्लासेज में करंट अफेयर की छह से सात वाली जो क्लास है वो भी आपकी शुरू हो जाएगी वो सैटरडे से शुरू कर दे रही हूँ मतलब स्टैटिक जीके के जो फिफ्टी क्वेश्चंस करके अपन करते हैं वो तो वो आपके शनिवार से शुरू हो जाएंगे ठीक है इसी सैटरडे यानी कि परसों से अपन यहाँ पे शुरू करें कोई टेंशन नहीं है चलिए ठीक है थैंक यू सो मच अभी के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय पीडीएफ मिल जाएगी क्लास दो बजे जो है उसको अटेंड कर लीजिए